तो चलिए शुरू स्टार्ट करते हैं। यूनियन एक्साइज ड्यूटी यानी एक्साइज ड्यूटी क्या होता है, तो इन एक्साइज ड्यूटी में हमें कौन कौन से टॉपिक को आज स्टडी करना है, चलिए देखें स्टूडेंट। इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एक्साइज ड्यूटी यानी एक्साइज ड्यूटी में हमें आज क्या क्या स्टडी करना है। सबसे नंबर वन टॉपिक है व्हाट इज एक्साइज ड्यूटी यानी एक्साइज ड्यूटी क्या होता है। नंबर टू बेसिक एक्साइज ड्यूटी एट द रेट 16% क्या होता है। नंबर थर्ड एजुकेशन सेस एट द रेट 2% क्या होता है। नंबर फोर्थ एजुकेशन सेस इंटरेस्ट रेट क्या होता है। नंबर फाइव एक्साइज विथ वैट कैलकुलेशन रिपोर्ट फॉर परचेज इनवाइस कैसे कैलकुलेशन के साथ मेंटेन किया जाता है। नंबर सिक्स एक्साइज विथ वैट कैलकुलेट रिपोर्ट फॉर सेल इनवाइसिंग बिल कैलकुलेट के साथ कैसे बनाया जाता है। नंबर सेवन एक्साइज विथ वैट एडजस्टमेंट क्या होता है, कैसे किया जाता है। एंड नंबर एट एक्साइज पेबल बाय चेक टू गवर्नमेंट, इसकी एंट्री कैसे पास करनी है। नंबर नाइन वैट पेबल बाय चेक टू गवर्नमेंट, इसकी एंट्री कैसे पास करनी है। तो स्टूडेंट आज हम सबसे पहले टॉपिक जानेंगे व्हाट इज द एक्साइज ड्यूटी। तो ये टॉपिक आपके स्क्रीन पे, एंड व्हाट इज एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी क्या होता है, इसका डेफिनेशन। बेसिकली एक्साइज ड्यूटी इज ए टैक्स लेविड ऑन डोमेस्टिकली प्रोडक्ट गुड्स। जनरली इट इज लेविड ऑन दियर प्रोडक्शन एंड सेल एंड इट्स ऑल्सो नाउ एज सैनवेट आर सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स। द सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी इट इज एन इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ टैक्सेशन एंड इज कलेक्टेड फ्रॉम द कस्टमर बाय द रिटेलर आर इमिडिएटली। इट इज द पेड व्हेन द गुड्स आर ट्रांसफर फ्रॉम द प्रोडक्शन यूनिट टू द वेयर हाउस। इट इज स्पेसिफिकली गवर्नमेंट बाय टू सेट ऑफ टैक्स एक्ट, द सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1994 एंड द सेंट्रल एक्साइज ट्रैफिक एक्ट 1985। आइडियली द सेंट्रल एक्साइज बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टमर इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्शन ऑफ एक्साइज ड्यूटी। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी सर्वल इनडायरेक्ट टैक्सेस द इंक्लूडिंग एक्साइज ड्यूटी हैव बीन सबसेम अंडर इट्स। हाउ वेयर इट इज स्टिल एप्लीकेबल टू द सर्टेन कॉमोडिटीज लाइक पेट्रोल लिक्विड एक्सेट्रा। तो चलिए स्टूडेंट इसका डेफिनेशन हिंदी में जाने। उत्पादन शुल्क क्या है। मूल रूप से उत्पादन शुल्क घरेलू स्तर पर उत्पादित वस्तुओं पर लगाए जाने वाला कर है। आमतौर पर यह उनके उत्पादन और बिक्री पर लगाया जाता है और इसे सैनवेट या केंद्रीय वर्धित कर के रूप में भी जाना जाता है। केंद्रीय उत्पादन शुल्क कराधान का एक अप्रत्यक्ष है और खुदरा विक्रेता या मध्यस्थ द्वारा ग्राहकों से एकत्र किया जाता है। इसका अप्रत्यक्ष रूप है कि खुदरा विक्रेता या मध्यस्थ द्वारा ग्राहक से एकत्र किया जाता है। इसका भुगतान तब किया जाता है जब माल को उत्पादन इकाई से गोदाम में स्थानांतरित किया जाता है। यह विशेषकर अधिनियमों के दो सेटों द्वारा शासित होता है, केंद्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम 1994 और केंद्रीय उत्पादन शुल्क ट्रैफिक अधिनियम 1985। आदर्श रूप से केंद्रीय उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड उत्पादन शुल्क के संग्रह के लिए जिम्मेदार है। जीएसटी की शुरुआत के साथ उत्पादन शुल्क सहित कई अप्रत्यक्ष करों को इसमें शामिल कर दिया गया है। बहरहाल यह अभी भी कुछ वस्तुओं जैसे पेट्रोल शराब आदि पर लागू है। बेसिक एक्साइज ड्यूटी एट रेट 16%। द बेसिक एक्साइज ड्यूटी इज लेविड अंडर सेक्शन 3 ऑफ द सेंट्रल एक्साइज एंड सॉल्ट एक्ट 1994।
अंडर दिस सेक्शन ऑल एक्साइज ड्यूटी अदर देन सॉल्ट प्रोडक्शन इन इंडिया आर सब्जेक्ट टू बेसिक एक्साइज ड्यूटी. द सेंट्रल वैल्यूएटेड टैक्सेस आर कन्वर्ट एज इट इज ऑल्सो कॉल्ड इट्स लिविट एट द रेट मेंटेन्ड इन द सेंट्रल एक्साइज ट्रैफिक एक्ट. तो चलिए स्टूडेंट इसका डेफिनेशन हिंदी में जाने. मूल उत्पादक शुल्क एडेडिट 16%, यानी मूल उत्पादक शुल्क केंद्रीय उत्पादक शुल्क और नमक अधिनियम 1994 की धारा 3 के तहत लगाया जाता है. इस धारा के तहत भारत में उत्पादित नमक के अलावा सभी उत्पादन शुल्क मूल उत्पादक शुल्क के अधिनियम है. केंद्रीय मूल्य वर्धित कर या सैंडविच जैसा कि इसे भी कहा जाता है, केंद्रीय उत्पादन शुल्क ट्रैफिक अधिनियम में उल्लेखित दरों पर लिया जाता है. अगला पॉइंट, एजुकेशन सेस एडेड 2%. एज पर सेक्शन 93 ऑफ द फाइनेंस नंबर 2 एक्ट 2004, एजुकेशन सेस इज ड्यूटी ऑफ एक्साइज विच इज टू बी कैलकुलेट ऑन एग्रीगेट ऑफ ऑल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज इंक्लूडिंग स्पेशल ड्यूटी ऑफ एक्साइज आर अदर ड्यूटीज ऑफ एक्साइज बट डज नॉट इंक्लूड एजुकेशन सेस ऑन एक्सिबल गुड्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड. तो चलिए स्टूडेंट इसका डेफिनेशन हिंदी में जाने. शिक्षा उपकरण एडेड 2%, यानी 2% क्या है? वित्तीय नंबर 2 अधिनियम 2004 की धारा 93 के अनुसार शिक्षा के ऊपर एक उत्पादन शुल्क है जिसकी गणना विशेष उत्पादक शुल्क या अन्य उत्पादक शुल्क सहित सभी उत्पादक शुल्कों को योग कर की जानी चाहिए, लेकिन उत्पादन शुल्क योग वस्तुओं की शिक्षा के उपकर को इसमें शामिल नहीं किया जाना चाहिए. अगला पॉइंट, एजुकेशन सेस इंटरेस्ट रेट. द गवर्नमेंट इंटेंशन इन सेटिंग अप टू एजुकेशन सेस वाज टू प्रोवाइड इट एंड फाइनेंस क्वालिटी बेसिक एजुकेशन फॉर स्टूडेंट हु शुड नॉट ओवरवाइज अफोर्ड इट. ऑल्दो द इंटीरियर गोल वाज टू हेल्प चिल्ड्रन कंप्लीट प्राइमरी स्कूल, द गवर्नमेंट स्कूल रिकग्नाइज्ड द नीड टू प्रोवाइड एक्सेस टू क्वालिटी सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन एज वेल. टू दिस एंड द फाइनेंस एक्ट ऑफ 2007 इम्पोज्ड ए 1% सरचार्ज ऑन सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन. चलिए स्टूडेंट इसका डिफिनेशन हिंदी में जाने. शिक्षा के ऊपर ब्याज दरें. शिक्षा के ऊपर स्थापित करने में सरकार का इरादा उन विद्यार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण बुनियादी शिक्षा प्रदान करना है और वित्त पोषित करना था जो अन्यथा इसका भुगतान नहीं कर सकते थे. हालांकि प्रारंभिक लक्ष्य बच्चों को प्राथमिक विद्यालय की पढ़ाई पूरी करने में सहायता करना था, सरकार ने जल्दी ही गुणवत्ता पूर्ण माध्यमिक और उच्च शिक्षा तक पहुंचाना प्रदान करने की आवश्यकता को भी समझ लिया. इसके लिए 2007 के वित्त अधिनियम ने माध्यमिक और उच्च शिक्षा पर 1% अभिभार लगाया. नेक्स्ट पॉइंट, तो स्टूडेंट एक छोटा सा एक्साइज पे मैंने क्वेश्चन बनाया हुआ है. एंड फॉलोइंग रॉ मटेरियल परचेज फ्रॉम जलान सेल्स सर्विस, यानी जलान सर्विस से मुझे ये माल खरीदना है. क्लॉथ 5000 मीटर, एडेडी 350 रुपया पर मीटर का नाम है. बटन 1000 पीसेस लेना है, एक पीस का नाम 6 रुपये है. थ्रेड 5000 पीस लेना है, एक पीस का नाम 12 रुपये पर पीस है. जिसपे एक्साइज ड्यूटी 16% चार्ज हो रहा है, 2% एजुकेशन सेस लग रहा है, 1% सेकेंडरी सेस लग रहा है और 4% वैट लग रहा है स्टूडेंट. तो इसको 15/4/2015 को प्रोडक्शंस करना है मुझे, यानी सारा ये माल जो आया है
इसके लिए मैं फुल साइज शर्ट बनाना है 1000 पीस, और एक शर्ट बनाने में जो कॉस्टिंग रेट गिर रही है मटेरियल का, 2.5 मीटर क्लॉथ लग रहा है, बटन 10 पीस लग रहा है और थ्रेड 1 पीस लग रहा है। तो 20/4/2015 को टोटल ऑल जो फुल साइज शर्ट है उसको बेचना है मोहन एंड सन्स को 30% प्रॉफिट पर, जिस पर एक्साइज ड्यूटी 16% चार्ज करना है, एजुकेशन से 2%, सेकेंडरी चीज 1% और 4% वैट। 30/2015 को पूरी जनरल एंट्री तैयार करना है आपको, और सरकार को एक्साइज और वैट का एडजस्टमेंट करने के साथ इसका टैक्स भी भुगतान करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक्साइज विद वैट कैलकुलेट रिपोर्ट फॉर परचेज इनवॉइस बिल, यानी जो मैंने माल मंगाया है, क्लॉथ मंगाया 5000 मीटर, जिसका एक पीस का दाम है 350 रुपये, इसका मल्टीप्लाई करने पर यानी गुणा करने पर 17,50,000 आ रहा है टोटल वैल्यू। बटन 1000 है, इसकी 6 रुपये के हिसाब से 6,000 रुपये ये आ गया है। थ्रेड 5000 है, 12 के हिसाब से 6,000, ये 60,000 ये आ गया है। तो टोटल वैल्यू को अगर इसको प्लस किया जाए स्टूडेंट, तो 17,50,000 ये हो गया, 6000 ये हो गया और 60,000 ये टोटल प्लस कर दिया, तो 18,16,000 रुपये का ये टोटल कॉस्टिंग पड़ रही है स्टूडेंट, यानी सारे कपड़ों का। तो यहाँ पे जो 18,16,000 है, तो उसमें 16% एक्साइज ड्यूटी चार्ज होगा, जिसकी वैल्यू आ गई है 2,90,560 रुपये, और उसी 2 लाख रुपए यानी जो 2,90,560 आता, उस पर 2% आप एजुकेशन सेस निकाल दिए हैं, जिसकी वैल्यू आ रही है 5,811 रुपये 20 पैसे, और 1% आपका एजुकेशन सेस आ गया, जिसका 2,905 रुपये 60 पैसे आ जाए सेकेंडरी सेस। तो क्या करना है कि इन सभी रॉ मटेरियल को प्लस कर देना है, यानी आपको 18,16,000 ये है, प्लस आपका 2,90,560 इसको प्लस कर देना है, 5,05,811 रुपये ये प्लस कर दीजिए, और 2,905 रुपये ये प्लस करके टोटल वैल्यू देखेंगे 21,15,276 रुपये 80 पैसे का कॉस्टिंग रेट है। तो टोटल वैल्यू जोड़ने के बाद जो 21,15,276 रुपये 80 पैसे आ रहा है, इस पर 4% वैट चार्ज किया गया है, तो 4% वैट की जो वैल्यू आ गई 84,611 रुपये 7 पैसे आया स्टूडेंट। अब नीचे क्या किया गया, ये सारे रॉ मटेरियल को प्लस बेसिक एक्साइज को प्लस वैट को जोड़ दिया गया है, तो एक्चुअल वैल्यू जो कॉस्टिंग रेट आ रहा है 21,99,887 रुपये 87 पैसे की, ये टोटलिंग कॉस्टिंग विद एक्साइज के साथ बिल बढ़ेगा। तो इसका बिल देखिए कैसे बना हुआ है स्क्रीन पे आपके सामने। ये परचेज एक्साइज इनवॉइस बिल है आपका, इसमें क्लॉथ को डेबिट किया गया है, बटन डीआर कर दिया गया है, थ्रेड डीआर किया गया, तो टोटल डेबिट में जो वैल्यू आई थी वैल्यू डाल दिया गया है। इनपुट बेसिक एक्साइज आपका 2,99,560 रुपये आया था, ये भी यहाँ डाल दिया गया। इनपुट एजुकेशन थे 2%, 5,811 रुपये 20 पैसे ये भी डेबिट हो गया। और इनपुट सेकेंडरी सेस एडिट 1% डीआर 2,905 रुपये 60 पैसे ये भी डेबिट हो गया। इनपुट वैट 4% 84,611 रुपये 7 पैसे ये भी डेबिट हो गया। टोटल जो जलान सेल्स एंड सर्विस से माल खरीदा गया था, टोटल बिल हो गया 21,99,887 रुपये 87 पैसे का, और एक छोटा सा नीचे नरेशन राइट कर दिया गया, बीइंग फॉलोइंग रॉ मटेरियल परचेज फ्रॉम जलान सेल्स एंड सर्विस विथ एंड एक्साइज ड्यूटी 16%, एजुकेशन 2%, सेकेंडरी 1%, वैट 4%। तो अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, इस सारे माल को बेचना है, तो बेचने से पहले इसका प्रोडक्शन करना है, तो इसका कैलकुलेशन आपके स्क्रीन पे। एंड तो 20/4/2015 को प्रोडक्शन करना है, प्रोडक्शन करने के लिए मुझे क्या करना है, यानी 1060 तैयार करना है, तो 1060 जो बनाना है उसमें 1 शर्ट की कॉस्टिंग यहाँ निकाली गई स्टूडेंट। तो यहाँ पे प्रोडक्शन फुल साइज शर्ट 100 पीसेस है, तो यहाँ पे कुछ शॉर्टकट दिए गए हैं टैली आरपी पे इसके जाने के, प्रोडक्शन करने के लिए अल्ट्रा एफ 7 है, और प्राइम पे भी अल्ट्रा एफ 7 ही है, तो दोनों शॉर्टकट में कोई फर्क नहीं है। अगर आप ये मैनुअल देख रहे हैं तो कंजप्शन ऑफ रॉ मटेरियल फुल साइज शर्ट 1 पीस सेटेड शर्ट एंड पीसेस फॉर द फॉलोइंग आइटम, यानी एक शर्ट बनाने में कितना मटेरियल लग रहा है। तो क्लॉथ 2.5 मीटर लग रहा है, और इसकी रेट 350 रुपये है, तो जो 2.5 मीटर का कपड़ा का रेट आ गया 875 रुपये, बटन है 10 पीस, उसमें 6 रुपये के हिसाब से 60 रुपये आ गया, थ्रेड आपका 1 पीस है और जिसकी वैल्यू 12 रुपये है, तो टोटल 12 टोटल प्लस कर दिया गया 947 रुपये का पर पीस, यानी एक शर्ट का दाम पड़ रहा है रॉ मटेरियल के कंप्लीट के साथ। तो चलिए सुन आगे बढ़ते हैं, इसकी कॉस्टिंग रेट निकालने के बाद कैसे सेल किया जाएगा।
तो यहाँ पे एक्साइज विद वैट कैलकुलेट रिपोर्ट फॉर द सेलिंग इनवॉइस बिल, यानी पहले हमें बेचने से पहले इसका कैलकुलेशन कैसे बनाना है इसके इसके आपके स्क्रीन पे। तो 947 रुपये एक पीस का शर्ट का दाम था, 1000 मैंने किया तो इसका मल्टीप्लाई करने के बाद 947,000 टोटल वैल्यू आ गया, यानी 1000 शर्ट का दाम आ गया, जिसपे 30% मुझे लाभ रखना है। तो 30% मैंने लाभ निकाल दिया, तो 30% 947,000 पर 30% निकाला, जिसकी वैल्यू आ गई 284,100 प्रॉफिट आ गया। तो कॉस्टिंग रेट यानी जो 1000 शर्ट का दाम है प्लस उस प्रॉफिट को मैंने प्लस कर दिया, तो टोटल वैल्यू मुझे पड़ रही है 12,31,100 का आपकी सेलिंग प्राइस आ रही है स्टूडेंट। और इसमें 16% निकाला गया है, जिसकी 16% वैल्यू आ गई है 1,96,976 रुपये, आपका 16% एक्साइज चार्ज और आउटपुट लग रहा है। उसी पर जो 1,06,976 रुपये है उस पर आपका 2% निकाला गया, जिसकी वैल्यू आ गई 3,939,52 रुपये, और उसी पे 1% निकाला गया तो 1,969,76 रुपये आ गए। तो आपने देखा स्टूडेंट कि टोटल वैल्यू ये आ गया। अब क्या किया गया, सेलिंग वैल्यू को प्लस कर दिया गया है, प्लस आपका आउटपुट बेसिक एक्सरसाइज को प्लस कर दिया गया है, एजुकेशन को प्लस कर दिया गया है और सेकेंडरी को प्लस कर दिया गया है। टोटल वैल्यू 14,33,985 रुपये 28 पैसे आया है, और जिसपे 14,33,985 रुपये 28 पैसे पे 4% टैक्स निकाला गया, यानी वैट रेट निकाला गया, जिसकी वैल्यू आ गई है 57,359 रुपये 41 पैसे, यानी 4% वैट की वैल्यू आ गई है। तो इसकी इनवॉइस आपके सामने ये है, एंड सेल एक्साइज इनवॉइस आपका मोहन एंड सन्स डेबिट किया है, जो 14,91,344 रुपये 69 पैसे आए हैं, जो उनसे आपकी कॉस्टिंग रेट जैसे यहाँ दिखाया गया है। इन इन सभी वैल्यू को प्लस करने के बाद जो वैल्यू आएगा इन पे चार्ज किया गया है, एंड फुल साइज शर्ट का दाम ये आपका आपका आ गया है। आउटपुट बेसिक एक्साइज 1,96,976 रुपये आ गया है, आउट एजुकेशन सेस आपका 3,939 रुपये है। आउटपुट यानी जितनी भी कैलकुलेशन मैंने किया सेम फॉर्मेट यहाँ पे चढ़ाया गया है स्टूडेंट। ये जनरल बनाने के बाद इसका एडजस्टमेंट करना है, तो एडजस्टमेंट करने के लिए हमें क्या करना है स्टूडेंट की, क्योंकि जो पूरा मटेरियल है यानी कि जो शर्ट बनाया गया था 1,000 शर्ट बनाया गया था, पूरा शर्ट बना नहीं था, तो हमें पहले एडजस्टमेंट करने से पहले कॉस्टिंग रेट यानी से जो आपका जो एक्साइज एडजस्टमेंट है, तो यहाँ पे मैंने जो भी आउटपुट रेट था वो आउटपुट रेट मैंने निकाल यहाँ पे डाल दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे हमारा जो सेलिंग आउटपुट रेट है, जैसे आपने देखा कि आउटपुट बेसिक एक्साइज 16% है तो 1,96,976 है, और आउटपुट एजुकेशन से 3,000, जैसे जो जो आउटपुट यहाँ पे दिखाया जाए तो सेम आउटपुट मैंने सेम यहाँ पे दर्शा दिया। लेकिन हमारी जो कॉस्टिंग रेट है यानी कॉस्टिंग जो माल है वो पूरा माल तो बना नहीं था, उसमें केवल 1,000 बना था, तो 1,000 शर्ट की कॉस्टिंग रेट आपको निकालनी पड़ेगी। रेट स्टोन यहाँ पे निकाला गया है कि 947 रुपये का यानी एक शॉट का दाम था, जिसपे 1,000 रुपये फीस की वैल्यू आपने 9,47,000 आया, जिसपे 9,47,000 का 16% मैंने चार्ज किया तो 1,51,520 रुपये आया। तो 500 यानी 1,51,520 रुपये फिर आपने 2% चार्ज किया, ठीक है, तो 1,51,520 आ गया, 3,030 रुपये 40 पैसे आ गया, फिर 1,51,520 पे 1% निकाला, जो 1,515 रुपये 20 पैसे आ गए। अब इन चारों कॉस्टिंग जो ये आपने लिखा हुआ, इन चारों को प्लस करने के बाद, यानी चारों को 947 प्लस अभी 16% को प्लस 2% को प्लस 1% को सबको प्लस करने के बाद वैल्यू हमारी आ गई 11,03,065 रुपये 60 पैसे। तो 11,03,065 रुपये 60 पैसे पे 4% मैंने कॉस्टिंग नहीं सप्लाई वैट रेट वैट टैक्स लगाया, तो जिसकी वैल्यू आ गई 44,142,22 रुपये 62 पैसे स्टूडेंट आए हैं। तो यही हमारा इनपुट एक्साइज एडजस्टमेंट होगा, यानी यहाँ पे यही रेट जाएगा, जो जितना मैंने माल बेचा है उतने ही वैल्यू का एडजस्टमेंट मैंने किया किया जाएगा। तो यहाँ पे मैंने वही सेम यहाँ वैल्यू डाला हुआ है, यहाँ पे इनपुट वैल्यू का यानी सो ये जैसे ये जो डेबिट में है ये 1,000 शर्ट का जो प्रॉफिट के साथ बेचा गया है, और जो नीचे मैंने क्रेडिट में निकाला हुआ है ये 1,000 शर्ट जो जिसकी सेलिंग कराई गई है उसी की कॉस्टिंग रेट यहाँ पे एडजस्टमेंट किया जा रही है। तो यहाँ पे 1,96,976 रुपये 1,51,520 रुपये से घटाएंगे तो नीचे बेसिक एक्साइज पेबल आपका आ रहा है 45,500 456 रुपये, फिर 3,939 रुपये 52 पैसे में, फिर इनपुट एक्साइज को आप घटा देंगे 3,030 रुपये 40 पैसे को, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी एजुकेशन चेस जो पेबल आ जाएगा वो आएगा 909 रुपये 12 पैसे। उसी तरीके से आउटपुट सेकेंडरी चेस 1% में 1,969 रुपये 76 पैसे है, तो इनपुट जो सेकेंडरी आपका है या 1,515 रुपये 20 पैसे घटा दिया तो उसकी वैल्यू आ गई सेकेंडरी पेबल का 454 रुपये 56 पैसे।
और उसी तरह से आउटपुट 4% की वैल्यू आ गया 57,359 रुपये 41 पैसे। तो इनपुट की जो वैल्यू है वो है 44,122 रुपये 62 पैसे। तो उसको घटाने के बाद जो हमारा वैट पेबल आ जाएगा वो आ जाएगा 13,236 रुपये 79 पैसे। अब इसकी जो पेमेंट की गई है ये एक्साइज पेबल जो है, एक्साइज की अलग पेमेंट की गई है और वैट की अलग बिल बनाई गई है। तो यहाँ पे एक्साइज ड्यूटी पेबल डी आर, एजुकेशन सी पेबल डी आर, सेकेंडरी पेबल डी आर टू बैंक जो आ गए, टोटल जो टैक्स एक्साइज की जो पेमेंट हुआ वो 46,819 रुपये 68 पैसे आया है, और जो वैट का आया था वो 13,236 रुपये 79 पैसे का जो पेमेंट हुआ वैट पेबल डी आर टू बैंक। तो ये है एंट्री आपकी स्टूडेंट, एक्साइज और वैट की जनरल एंट्री करने का सही तरीका।